अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डालते हैं डेली डेली व्लॉग्स और आप लोगों को हमें मजीद करीब से जानने का मिलता है वहाँ पर मौका, तो सब्सक्राइब कर लें। तो T20 चैंपियंस टीम इंडिया आ चुकी हुई है वापस, और हमने कल उनका देखा था जी, स्वागत, ग्रैंड किस्म का वेलकम देखा था। और फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से पूरी जो विक्ट्री परेड हो रही है, लोग ही लोग हैं। और अगर उसको आप ऊपर से देखें तो अर्जेंटीना का भी रिकॉर्ड टूट चुका हुआ है कि लाखों लोग, 1-2 लाख नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 लाख लोग होंगे, क्योंकि पढ़ने में आया था यहाँ पर। आप बताइएगा कि आपको एग्जैक्ट फिगर पता है कि कितने लोग थे, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों का प्यार था और बड़ी बस में टीम जा रही थी और वो अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए जा रही थी। फिर उन्होंने पहुँचना था जी वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम पहुँच के भी कुछ सेलिब्रेशंस हुई, कुछ डांस वांस किया प्लेयर्स ने, और विराट की थोड़ी बहुत स्पीच के भी ग्लिम्पसेस हमारे पास हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। ये क्या है, किसी ने शर्ट फेंक दिया। अच्छा, पूरे उस स्टेडियम में लोग देखो, वो ऊपर तक, इसमें सेलिब्रेशन के लिए बुलाया। हाँ, ये वो नहीं है जो मुन्ना भाई में जो आता है। ओ हो, ये लोग थे, ये स्टेडियम भरा हुआ, विराट, वो ये जगह हम देख रहे थे सारी, रॉयल्स। ओए होए होए होए, अच्छा एक स्टैंड था सचिन तेंदुलकर स्टैंड, चैंपियंस आ रहे हैं, हार्दिक, नाइस, जहर ट्रॉफी अपनी कंट्री में लेके आए, जीते हैं पूरा टूर्नामेंट, जीते हैं, ये ना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये डांस विराट का है, विराट ने भी किया था डांस। इंडिया के कलर, और कितने 125 करोड़ इनको मिले हैं, मतलब पूरी टीम को मिले ना 125। वाह जी, क्या विटनेस किया। अभी हमारे पास एक स्पीच भी है थोड़ी सी, वो भी देख लेते हैं। प्लीज वेलकम नंबर 18 विराट, विराट कोहली। विराट को देखे ना, एक बड़े मजे की स्माइल सी आती है। हां, वाइब अच्छी, वाइब लाते नहीं, वो अपने बच्चों के साथ खा रहे हैं ट्रॉफी। हां विराट, हाउ हेडी एंड क्रेजी रोहित और कोहली। फर्स्टली अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल अप इन द स्टेडियम एंड व्हाट वी सॉ ऑन द स्ट्रीट्स टुनाइट is something I'm never going to forget in my life. Sorry, what was the question? We won the world. We wanted to get out of Barbados as soon as possible, get back to India, celebrate with everyone. Got stuck in a hurricane. Tha bit of a climax feeling, but emotional lag raha hai aapko. Okay ji, thodi si speech thi hamare paas Virat ki, aur Rohit ko dekho to emotional lag raha hai. Rohit emotional the aur Virat bhi itni zyada जो वो कह रहे हैं पिछले कुछ घंटों में हमने एक्सपीरियंस किया है और यहाँ स्टेडियम में भी जो हमने देखा है, तो उसके लिए थैंक यू भी बोला और लोग उनको बोलने नहीं दे रहे थे, लोगों की जो खुशी थी। उनसे पूछा कि तो 4 घंटे थे वो आपके, वो किस तरह के गुजरे थे? 4 दिन पिछले, वो रोलर कोस्टर उन्होंने बोला कि, और वो फंस गए। तो यार जाहिर सी बात है, आपने
वर्ल्ड चैंपियन बने, जीता है, जीत हासिल किए और आपको एक ट्रॉफी अपने मुल्क में लेके आए, प्यार मिल रहा है अपने लोगों का, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? ऑडियंस मुसलसल कुछ कह रही थी, हाँ, समझ नहीं आएगी। ऑडियंस मुसलसल जो है ना उनको उनका नाम भी ले रही थी और उनको जो है ना वो कर रही थी, खुशी से चीयर कर रही थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर बहुत अच्छा मोमेंट था। एंड वो जो हमने पहले विटनेस किया पिछली वीडियो में वो भी लाजवाब था, कितने ज्यादा लोग थे और किस तरह से टीम ने डांस किया है, टीम ने अपनी एक्साइटमेंट शो की, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, और माँ तुझे सलाम जो है वो भी बड़ा कमाल था। सो दैट्स इट, आई होप आपको भी देखने में अच्छा लगा होगा और बहुत प्राउड फीलिंग हो रही होगी। दैट्स इट, कैसा फील हो रहा है कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग्स, एंड जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, Instagram पे फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे न्यू एंड डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपने जैसा ख्याल।